हिंदुस्तान में तो जैसे महंगाई ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। हाल ही में कांदे के दामों ने आसमान छू लिया है। एक समय था जब सब्जी बेचने वाले दुकानदार गोनियों में कांदा लिया करते थे, लेकिन आज कांदे का दाम बढ़ते ही उन्हें थैलियों में लेना पड़ता है। ग्राहक जहाँ 1 किलो कांदा खरीदा करते थे, अब महंगाई के कारण 1.25 किलो खरीदते हैं। क्या करो, ग्राहक भी नहीं लेता है, बहुत महंगा है। अभी पहले 30 रुपया बिकता था, अभी 60 रुपया बिकता है। लेते हैं, जिसको 1 किलो लेना होता है वो 1.25 किलो लेता है, आधा किलो लेता है। कहीं ना कहीं ग्राहक भी कम लेते हैं। हाँ, हम ग्राहक भी कम लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कांदे का भाव कम होगा? कम तो होना ही चाहिए। तो आप ये जो पूरी महंगाई बढ़ रही है, आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसको जिम्मेदार तो केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार है, तो क्या आने वाले चुनाव में आप चाहेंगे कि सरकार बदले? हाँ, सरकार बदले ले। जैसे ही महंगाई बढ़ती है, वैसे ही आम जनता की जेब खाली होने लगती है। इस बढ़ती हुई महंगाई को जिम्मेदार आम जनता ने केवल सरकार को ठहराया है और मांग की है कि आने वाले चुनाव में सरकार बदली जाए। इतना 1 महीने पहले केंद्रीय गवर्नमेंट मंत्री टीवी पे इंटरव्यू देता है कि कांदे के भाव बढ़ने वाले हैं। जब इंटरव्यू आया तभी कांदे का भाव 30 रुपए किलो था और 1 महीने के बाद में जस्ट कांदे के भाव 60 रुपए 70 रुपए किलो हो जाता है और हर जगह हाहाकार मचती है। एक बार इसे ही दिल्ली की ये बीजेपी की सरकार चली गई थी कांदे के बारे में, और अभी वर्तमान में एप्पल सस्ती और कांदा महंगा है और महंगाई इतनी बढ़ रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब गवर्नमेंट का इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। पब्लिक इतनी परेशान है जिसका कोई हिसाब नहीं है। साग भाजी से लेकर के हर एक का इनकम उतनी की उतनी है, लेकिन कांदे का और ये साग भाजी का भाव इतना बढ़ गया है, इसके ऊपर गवर्नमेंट का किसी की किसी प्रकार की कोई नेता की किसी कोई पकड़ नहीं, किसी का कोई नहीं। और आज दिन तक ये कांदे पे कोई भी नेता जमाखोरों के खिलाफ या किसी के खिलाफ कोई कुछ एक शब्द नहीं बोला। खाली अपने अपने वोटों के राजनीति करते रहे और पब्लिक को गुमराह करते रहते हैं। हरदम अपने वोटों की चिंता रहती है। और ये केंद्रीय गवर्नमेंट जब से मनमोहन सिंह जी आए, एक शब्द कभी विपक्ष इतना चिल्लाता लेकिन कभी अपना जवाब नहीं देते और अपने स्पष्ट ये नहीं करते, स्पष्टीकरण नहीं करते। सूजी का घोटाला हो, कोल का हो, कोयलों की ये फाइलें खुली हो जाती है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इनके ऊपर दबाव लाना पड़ता है और ये गवर्नमेंट ये सुप्रीम कोर्ट के जज लोग कितने दिन तक इनके ऊपर दबाव लाएंगे, जबकि CBI इनके कठपुतली बन चुकी है। कभी मुलायम सिंह तो कभी मायावती तो कभी किसी के ऊपर, इनको किसी प्रकार की नेता लोग इतने बेशरम हो गए कि भले जनता बाढ़ में जाए। एक टाइम था शास्त्री जी तो चावल की पैदावार कम थी तो वो बोलते थे कि बुधवार में मुंबई में चावल नहीं बनेंगे क्योंकि अपने पास में चावल की पैदावार कम है। और वो शास्त्री जी बोलते थे जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो उन्होंने आज अपने आज केंद्रीय गवर्नमेंट बैठी है अपने बॉर्डर पे जवानों के सिर काट के लेके जाती है पाकिस्तान में ये सैनिक लोग, और ये बोलता है और अपने केंद्रीय गवर्नमेंट के मतलब रक्षा मंत्री बोलता है कि ये तो आतंकवादी थे, कहां से आतंकवादी। दूसरे दिन स्टेटमेंट बदलते हैं कि भाई इन्हें आतंकवादी नहीं थे, वो तो पाकिस्तान की सेना थी। अरे इनको धिक्कार है इनके ऐसे ऐसे पद पर रहने का इनको, और पब्लिक का कौन देखता है। आज पब्लिक कहीं पे भी पुलिस स्टेशन जाएगी कंप्लेन लिखाने के लिए तो बोलता मैनेज हो गया, नगर सेवक के पास में जाएगा तो मैनेज हो गया। हर जगह ये मैनेज की क्या बीमारी है। करोड़ों के घोटाला करते हैं और ऐसा आराम करते हैं। कोई मंत्री बोलता है 5 रुपए में खाना मिलता है, उनको बोलो कि 5 रुपए में खाना कहाँ मिलता है। और आज दिन तक इतनी महंगाई इतना ये, अभी बोलते हैं गए साल अनाज लाखों टन अनाज सड़ गया था और दारू वालों को बेच दिया, लेकिन कोर्ट के कहने पर भी गरीबों को अनाज नहीं बांटा। ये कैसी सरकार है। और अभी बोलती है खाद्य ये बिल लाए, बोला 2 रुपए किलो सरकार को मिलेगा, 2 रुपए किलो मिलेगा, गरीबों को अनाज मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। इतने साल तक कहाँ गए थे ये लोग, इनको कभी गरीब की चिंता की है इन्होंने? और अनाज भी देंगे ऐसा सड़ा गला जो जानवर भी नहीं खा सके। बिल्कुल बदलनी चाहिए और ये सरकार जानी चाहिए, भले एक बार बीजेपी भी भले एक बार बीजेपी को चांस देना चाहिए। और ये लोग आज दिन तक वोटों की राजनीति करते रहे और सबको गुमराह कर करके और अपनी रोटियां सेकते रहे।